नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में नमाज पढ़ने के दौरान हुए विवाद के बाद किशोर की हत्या कर दी गई है। आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों के घर तोड़फोड़ करते हुए घर के सामने कब्र खोद डाला है। बवाल की आशंका देख गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। मामला नगर कोतवाली के पूर्वी सोहदरपुर गाँव का है। आपको बता दें, प्रतापगढ़ जिले के नगर कोतवाली स्थित पूर्वी सोहदरपुर में देर शाम मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी। इस दौरान पीछे बैठे बच्चों में विवाद होने लगा। मस्जिद से बाहर विवाद बढ़ने पर मारपीट शुरू हो गई। बताया जाता है कि गांव की मीना, सबनम, छोटू व आरिफ ने 15 वर्षीय तालिब पर हमला बोल दिया है। आरिफ ने तालिब के सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया। उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर तालिब को प्रयागराज रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान तालिब की मौत हो गई। उधर आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों के घर पर तोड़फोड़ करते हुए कब्र खोद डाला है। बवाल की आशंका देखकर सीओसीटी करिश्मा गुप्ता, नगर कोतवाल सत्येंद्र सिंह पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए। गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव घर पहुंचने पर कोहराम मच गया है। एसपी पूर्वी विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि दो पक्षों में कहासुनी के दौरान मारपीट हुई थी, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है। परिजनों ने तहरीर दी है। तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बने रहे प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में। आपकी खबर हमारी नजर। हत्या की गई है। परिजनों का ऐसा आरोप है कि कुल्हाड़ी से मार कर उसको मौत के घाट उतारा गया है। इलाज के दौरान सर उसकी मौत हुई। क्या मामला है सर? ये थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ पूर्वी सहोदरपुर मोहल्ले में दो पक्षों में आपस में कहासुनी के दौरान एक बच्चे की मृत्यु हुई है। परिजनों के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा चुका है और इसमें नामजद तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।